को प्रधानमंत्री बड़ उपहार। केरल कैपिटल रे प्रथम डिजिटल साइंस पार्क रो शिलान्यास। मंगलवार ठारु पानी रे दौड़ीबो प्रथम वाटर मेट्रो। दुईदिनिया केरल गस्तरे प्रधानमंत्री मोदी। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट सहित केरल को 25,000 कोटी मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करने को जाउछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। गस्तर प्रथम दिन में कोची में पहुंचा पर विशाल रोड शो करिछन्ति प्रधानमंत्री। रोड शो रे पदयात्रा करी हाथ हलाई जनता को अभिवादन जनाइथिले पीएम मोदी। रोड शो समय रे रास्तारे फूल बिछुड़ी प्रधानमंत्री को स्वागत करिछन्ति केरलवासी। जब भारत की परंपराओं और ज्ञान के पुनरुदय की जरूरत पड़ी तो केरला से ही आदि शंकराचार्य निकले। जब विकृतियां और रूढ़ियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने की जरूरत हुई तो भी केरला से नारायण गुरु जैसे सुधारक आए। कोची आयोजित जुबम 2023 कार्यक्रम में सामिल हो युवकों सहित आलोचना करिछन्ति पीएम। यह सहित केरल रे संख्यालघु संगठन रो 8 वरिष्ठ पदाधिकारी आलोचना करिछन्ति प्रधानमंत्री। थिरुवनंतपुरम रे भारतर प्रथम डिजिटल साइंस पार्क रो शिलान्यास करिबा सह वंदे भारत एक्सप्रेस को सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिबे पीएम मोदी। 1500 कोटी टंका व्ययरे निर्माण हेबाकु जाउची भारतर प्रथम डिजिटल साइंस पार्क। मंगलवार शिलान्यास कार्यक्रम रे राज्यपाल मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य सामिल हेबे। साथियों, आज जब हमारा देश अमृत काल की यात्रा शुरू कर रहा है, युवाओं के जरिए केरला के युवाओं का ये संकल्प बहुत अहम है। मैं आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सेपटे मंगलवार प्रधानमंत्री देश को प्रथम वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट उपहार देवा को जाउछंती। केवल दक्षिण भारत रे नुह, एशिया महादेश रे एहा प्रथम मेट्रो प्रोजेक्ट हेबो जहां पानी रे चलिबो। 1138.83 कोटी टंका व्ययरे निर्माण होइथिबा वाटर मेट्रो प्रकल्प कोची एवं एहार आखपाख अंचलर 10 द्वीप को संजोग करिबो। वाटर मेट्रो रे 78 इलेक्ट्रिक बोट एवं 38 टर्मिनाल रहिछि। केरल सरकार एवं जर्मनी रो KFW नामक संस्था मिलित भावे उक्त प्रकल्प पाई पांठी जोगाई देइछंती। हाईकोर्ट भाईपिन टर्मिनाल रु भाईटिला कक्कानाड टर्मिनाल मध्य रे उक्त प्रकल्प कार्यकारी हेबो। केरल रे एकाधिक बृहत प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करने को जाउछंती प्रधानमंत्री, जहां राज्यर पर्यटन सह राज्यर विकास रे सहायक हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।